तो फाइनली दोस्तों हमारी बाइक रेवोल्ट आरवी 400 की बैटरी हो चुकी है चार्ज, जिसे हम प्लेस कर रहे हैं बाइक के अंदर। और उसके बाद हम शुरू करेंगे एक वीडियो, एक ब्लॉग जो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग परेशान हैं, जिनके मन में शंका है, जिनके मन में डाउट है कि ये बाइक पहाड़ों पे किस तरह से परफॉर्म करती है। आज हम आपको डेमो देंगे, दो लोग इस पे अपने सामान के साथ बैठेंगे, जो हमारे जरूरी नेसेसरी जो लैपटॉप बैग्स होते हैं उसके साथ हम आपको एक डेमो देने जा रहे हैं। तो जुड़े रहे लास्ट तक वीडियो के साथ, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो फ्रेंड्स, एट प्रेजेंट हम लोग हैं हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट ऊना चिंतपूर्णी में, जहां पे हम लोग एक स्टीप इंक्लाइन पे इस बाइक को चढ़ाएंगे और आपको डेमो देंगे इस बाइक के परफॉर्मेंस का। तो जुड़े रहे वीडियो के साथ, उसके लास्ट में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। सो देखते रहें किस तरह से ये बाइक यहाँ पे परफॉर्म करती है। हमने इस बाइक को चढ़ाया है, दो लोग इस बाइक पे बैठे हुए थे और हमारे पास हमारा जरूरी सामान भी साथ में था। अब वीडियो में पता नहीं आपको किस तरह से ये चढ़ाई लग रही है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये चढ़ाई इतनी स्टीप है कि अगर आप खाली कार यहाँ पे चढ़ा रहे हैं तो आपकी फर्स्ट या मैक्सिमम सेकेंड गियर में ये गाड़ी यहाँ पे चढ़ती है। बाकी सब हम बात करते हैं विपिन जी से, जो इस टाइम इस बाइक को चला रहे थे। डेली मेरा अप डाउन है इसी रोड पर होता है, तो करीब मुझे ये है सर कि इसमें मुझे 40 में फर्स्ट मोड पे चलाता हूँ इसको और सिंगल चलाता हूँ। मुझे कभी भी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे सेकंड मोड डालने की जरूरत है, या मुझे चढ़ाई है तो मुझे एकदम सेकंड या थर्ड मोड पे स्पोर्ट्स मोड पे तो बाइक चलानी पड़ेगी, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैं हमेशा इसको फर्स्ट मोड पे चढ़ाता हूँ और चढ़ाई के टाइम हो सकता है तो सर मुझे कई बार ब्रेक भी लगानी पड़ती है ट्रैफिक होने की वजह से। अगर सामने आगे कोई गाड़ी है वो उसने ब्रेक लगाई तो मुझे ऑब्वियसली है कि मुझे ब्रेक लगानी पड़ेगी। अदरवाइज अगर खाली रोड है तो मेरा आराम से उसको मैं इसको 40-45 की स्पीड से चढ़ाई पे चला सकता हूँ। ठीक है, तो अभी जो हम लोग इस पे बैठ के आए हैं तो वो मैं वीडियो हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं, तो उसको देख के आप लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि पहाड़ों पे ये बाइक किस तरह से परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा विपिन जी, अगर आप कुछ व्यूअर्स को संदेश देना चाहते हो इस बाइक के बारे में तो काइंडली, काफी हेल्प मिलेगी कुछ लोगों को जिनके मन में ये डाउट हो कि किस तरह से ये परफॉर्म करेगी। जी मैं सर ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकता, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि अगर किसी भी आपके व्यूअर को कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी उनका कमेंट हो, कोई उनकी इंक्वायरी हो, तो प्लीज वो कमेंट करें, उसका जितना हो सकेगा पॉसिबल मैं खुद जवाब दूंगा आपको। थैंक यू। सो व्यूअर्स, अगर आप लोग ये बाइक खरीदना चाहते हैं और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से भी पॉसिबली आपकी मदद हो सकेगी हम लोग करने को तैयार हैं। और इसके अलावा डिफरेंट वीडियोज़ आप आई बटन पे जाके सर्च कर सकते हैं, पर्टिकुलर इस रिवोल्ट आरवी 400 AI इनेबल्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में काफ़ी वीडियोज़ हैं इसके बारे में, इसके स्टैंड के बारे में, इसके परफॉर्मेंस के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में या रिव्यू के बारे में आप लोग आई बटन पे जाके सर्च कर सकते हैं। और एक बार फिर से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।